अस्सलाम वालेकुम किड्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज आप अलिफ के चार हरफी अल्फाज लिखेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बा, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बा। तो बाबा लिखने के लिए पेरेंट्स आप लाइन से थोड़ा सा ऊपर डॉट लगाएंगे, ठीक है, और फिर बे की छोटी शक्ल को आप अलिफ के साथ जोड़ देंगे। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा लाइन के ऊपर ही लिखेंगे आप, इसको आपने लाइन से नीचे नहीं लाना। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा, दाल के लिए वन डॉट लगाएंगे लाइन से थोड़ा ऊपर। बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, बा जा, बे अलिफ बा के लिए वन डॉट और जीम अलिफ जा के लिए इस तरह थ्री डॉट्स लगाएंगे आप। सीन अलिफ सा, रे अलिफ रा, सा रा, सीन अलिफ सा लिखने के लिए आप इस तरह डॉट्स लगाएंगे थ्री डॉट्स। काफ अलिफ का, टे अलिफ टा, का टा, काफ के लिए आप लाइन से थोड़ा ऊपर डॉट लगाएंगे और टे अलिफ टा लिखने के लिए यहाँ पे डॉट लगाएंगे। काफ अलिफ का, टे अलिफ टा, काटा। गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना, गाना, गा ना। गाफ अलिफ का को भी आप इसी तरह लिखेंगे जैसे आप काफ अलिफ का, काफ अलिफ का को लिखेंगे, लाइन से थोड़ा ऊपर डॉट लगाएंगे और नून अलिफ ना का डॉट जैसे पे अलिफ बा का लगाते हैं और इसकी छोटी शक्ल अलिफ के साथ जोड़ देंगे। गाना, ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला, ताला। ते अलिफ ता का डॉट भी नून अलिफ ना की तरह ही लगाएंगे और लाम अलिफ ला लिखने के लिए लाइन से थोड़ा ऊपर डॉट लगाएंगे। ताला। बाबा, दादा, बाजा, सारा, काटा, गाना, ताला। आप इन अल्फाज को पढ़ेंगे भी और सही पैटर्न के साथ बहुत अच्छी राइटिंग में लिखेंगे भी। और इसके साथ साथ आपका ये भी काम है कि आपने तमाम मुरक्कब हरूफ को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ना दोबारा सीखना है, ठीक है। सो विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।